हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया के। मैंने अपने एनालिसिस से ये टॉप लॉ फर्म्स निकाली है। हो सकता है कि कुछ और लॉ फर्म्स भी, बहुत सारी लॉ फर्म्स भी इनके अलावा अच्छी हैं, लेकिन मेरे एनालिसिस से मुझे ये जो है, मैंने 5 लॉ फर्म्स निकाली है जो मुझे सबसे सही लगती है। मतलब ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉ फर्म्स और सबसे अच्छी लॉ फर्म्स, जिनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, उस तरीके की लॉ फर्म्स हैं। तो इनके बारे में हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अगर आप इन लॉ फर्म्स के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, या फिर अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं और आप इन लॉ फर्म्स के अंदर इंटर्नशिप करते हैं, तो ये सबसे अच्छी लॉ फर्म्स मानी जाती है। और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी एज अ लॉयर, वो भी सबसे अच्छी मिलेगी। या फिर अगर आप एज अ इंटर्न काम करेंगे तो जो आपको स्टाइफिन मिलेगी वो भी यहाँ पे सबसे अच्छी मिलेगी। मतलब लॉयर के तौर पर यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी 15 से 20 लाख रुपए तक पर ईयर की मिलती है, और अगर आप एक इंटर्न के तौर पे काम करते हैं तो 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ की आपको स्टाइफिन मिल जाती है। जबकि अगर आप कहीं अच्छे अच्छे लॉयर से काम करने के बावजूद भी वो लोग स्टाइफिन पे नहीं करते, तो ये फर्म्स बहुत अच्छी फर्म्स है, इसलिए हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छी लॉ फर्म मेरे को लगी, उसका नाम है शरदुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी। इसका नाम सभी ने सुना होगा, जरूर सुना होगा। ये बहुत अच्छी लॉ फर्म है, ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉ फर्म्स है। इसके अंदर कम से कम अभी भी 600 से 700 लॉयर्स काम कर रहे हैं इनके साथ, मतलब इनके अंडर, जो इनके अंदर काम कर रहे हैं, जिनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। इसके बेसिकली 7 ऑफिसेज हैं, मतलब 7 जगह पे मेन इसके ऑफिस हैं, जो भी बिग सिटीज हैं इंडिया की, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई, हैदराबाद, तो इन जगहों पे इनके, कोलकाता, अहमदाबाद, तो इन जगहों पे इनके ऑफिस, 7 मेन ऑफिस है। 7 में से सबसे मेन कौन कौन से? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और गुरुग्राम, यहाँ पे इनके मेन ऑफिस हैं। उसके बाद जो इनके मेन जो एग्जीक्यूटिव हैं, जिनके अंडर ये फर्म काम करती है, वो शरदुल एस श्रॉफ उनका नाम है। मई 11, 2015 में इनसे सीरियल अमरचंद मंगलदास अलग हुए थे, तो फिर उनकी एक अपनी अलग लॉ फर्म है। तो ये दोनों लॉ फर्म एक दूसरे के कंपैरिजन किया, दोनों ही बहुत अच्छा पे करती है, और दोनों के अंदर इंटर्नशिप करने में जो है बहुत अच्छा पे होता है, और आपका जो एक वर्क एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे लगने के लिए आपको, ये जो मैं लॉ फर्म्स बता रहा हूँ, यहाँ पे लगने के लिए ये लोग आपका वर्क एक्सपीरियंस चेक करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, आपने क्या क्या चीज करी है लाइफ के अंदर, किस तरीके का एक्सपीरियंस है, आपको कॉलेज चेक करते हैं कि आपने कहाँ से अपनी LLB करी है, ये देखते हैं कि आपके जो ग्रेजुएशन, मतलब जो आपने LLB करी वहां पे कितने नंबर आए, मार्क्स कैसे थे आपके, तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही ये आपको रखते हैं। उसके बाद देखते हैं आप क्या इनके पास काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लगने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अब ये जो कंपनी, जो ये जो फर्म है, ये इसके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स है, शरदुल अमरचंद कंपनी के पास, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी इसके क्लाइंट है, फेसबुक, वोडाफोन, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके पास है, NSC, SBI, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। ऐसी जो दूसरी सीरियल अमरचंद मंगलदास है, उनके पास भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है, कोटक बैंक इनके पास है, टाटा की कंपनी का क्लाइंट, टाटा इनकी क्लाइंट है, ऐसे एक्सिस बैंक इनका क्लाइंट है, तो बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके पास है, तो जिससे कि बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। और इनके ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 110 के करीब पार्टनर्स है, जिससे कि इनके पास ऑल ओवर वर्ल्ड का काम आता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप कितना कुछ सीख सकते हैं और इनके पास कितना अच्छा काम होगा, तो ये उस हिसाब से पे भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर पे शरदुल अमरचंद मंगलदास कंपनी है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से आती है, वो थ्री लीगल इंडिया है। थ्री लीगल इंडिया जो है वो 2000 के अंदर बनी थी, 2000 के अंदर बनी थी। इसके अंदर कम से कम 300 लॉयर काम कर रहे हैं इसके अंडर, तो ये भी जो है बहुत अच्छा पे करती है, मतलब 11 से 12 लाख रुपए एक लॉयर को पे कर देती है। और इसकी अगर इंटर्नशिप देखी जाए तो इंटर्नशिप के अंदर ये 17,500 के करीब अपने जो इंटर्न्स होती है उनको पे कर देती है। तो लेकिन कंडीशन वही रहती है कि आपके कॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, आपको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, आपके मूड कोर्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे होने चाहिए, उसके बाद ये जो फर्म्स होती हैं ये आपको रखती हैं। इसके बेसिकली 4 ऑफिसेज हैं, 4 ऑफिसेज बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम के अंदर हैं। उसके बाद जो इसके मेन तरीके की केसेस, ये कैसे केसेस देखती है, जैसे रियल एस्टेट के केसेस देखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के देखती है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरीके की जो केसेस होती हैं, वो केसेस ये फर्म देखती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी फर्म है। उसके बाद जो मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पे लॉ फर्म मेरे को जो अच्छी लगी वो है खेतान एंड कंपनी। खेतान एंड कंपनी जो है अभी तक देखा जाए तो अपने इंप्लॉइज को हाईएस्ट सैलरी दे रही है, जितनी भी लॉ फर्म्स है उसमें से हाईएस्ट सैलरी खेतान एंड कंपनी ने दी है। 14.5 लाख रुपए की हाई पर ईयर का पैकेज दिया है, पर एनम का। ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्म है, जो कि 1911 के अंदर बनी थी इंडिया के अंदर, और इसके अभी अराउंड 115 पार्टनर्स हैं,
और इसका जो फाउंडेशन है या इसको किसने बनाया था, वो लेट देवी प्रसाद खेतान जी ने बनाया था इसको। तो उन्होंने इस फर्म को बनाया था 1911 के अंदर। और ये बेसिकली ज्यादातर देखा जाए तो कॉर्पोरेट मैटर्स जितने होते हैं, कंपनी से रिलेटेड, डिसोल्यूशन से रिलेटेड, इस तरीके के मैटर के अंदर ज्यादा डील करते हैं। तो ये तीसरे नंबर की फर्म मेरे को जो सबसे अच्छी लगी। यहाँ पे अगर आप एज अ लॉयर काम करते हैं या फिर आप यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं तो ये बेस्ट फर्म होंगी। उसके बाद जो बहुत अच्छी फर्म है फोर्थ नंबर, वो सागर एंड एसोसिएट्स। सागर एंड एसोसिएट के अंडर भी कम से कम 250 से 300 लॉयर्स अभी इस वक्त काम कर रहे हैं। और इसके ऑल ओवर इंडिया में 86 पार्टनर्स हैं जो इसके साथ मिलकर काम करते हैं। और इसके ऑफिसेज वही बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर है, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई। तो इन जगहों पर इनकी ऑफिसेज हैं। और ये भी अपने जो लॉयर्स होते हैं उसको एक बहुत अच्छी सैलरी पे करते हैं, मतलब 10 से 11 लाख रुपए, 11.5 लाख रुपए तक जो है ये मैक्सिमम सैलरी पे करते हैं अपने लॉयर्स को। और जो इसका हेडक्वार्टर्स है वो गुरुग्राम के अंदर है। और ये जो फर्म थी 1991 के अंदर बनी थी, एक छोटी सी फर्म थी, लेकिन ये फिर धीरे धीरे करके अपने एक्सपीरियंस के कारण बहुत आगे बढ़ गई। उसके बाद जो मुझे पांचवे नंबर की सबसे अच्छी फर्म लगी, वो लगी डीएसके लीगल। डीएसके लीगल भी बहुत अच्छी फर्म है, ये 2001 के अंदर बनी थी। इसके अंदर बहुत ज्यादा यंग एक्सपीरियंस लॉयर्स थे और 2 ही डिकेड के अंदर, मतलब 20 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी लॉ फर्म बन गई। इसके अंदर कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल सर्विसेज बहुत अच्छी देती है, कॉर्पोरेट मैटर्स, कमर्शियल मैटर्स, इस तरीके के मैटर्स बहुत अच्छे से देखती है। और इसके बेसिकली अभी सिर्फ ऑफिसेज दिल्ली और मुंबई के अंदर ही है, लेकिन ये फर्म भी बहुत अच्छी फर्म है। यहाँ पे भी अगर आप इंटर्नशिप या फिर एज ए लॉयर काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये टॉप 5 लॉ फर्म्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं, सिर्फ यही 5 लॉ फर्म्स नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी फेमस फेमस लॉ फर्म्स है, तो उनके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो टॉप लॉ फर्म्स होती है उनमें काम करने का फायदा ये होता है कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, या फिर अगर आप एज ए इंटर्न काम करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है, और आपको जो यहाँ पे स्टाइफेंड मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे अगर आपको काम करने का मौका मिले तो जरूर ट्राई कीजिएगा, नहीं तो एक बार ही ट्राई जरूर कीजिए इन लॉ फर्म्स में काम करने का। तो ये मेरे हिसाब से 5 बेस्ट लॉ फर्म्स हैं इंडिया के।